हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने जीएसटी के अंदर बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कर सकते हो। जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं हम फ्रेश, तब वहां बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन पहले आता था, लेकिन अब नहीं आता है। तो अब हम अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें? जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है, तब हमारे पास जब हम लॉग इन करते हैं तो एक पॉपअप आता है। पॉपअप में क्या लिखा हुआ है? यू हैव नॉट एंटर्ड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स टू योर GSTN, प्लीज एंटर्ड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स बाई फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड्स। ये बैंक अकाउंट ऐड करने के दो तरीके हैं। या तो हम सीधा ये जो फाइल अमेंडमेंट पे क्लिक कर देते हैं और सीधा हम बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, या फिर दूसरा तरीका है हम सर्विस रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड्स में जाके अमेंडमेंट फाइल कर देते हैं बैंक अकाउंट की। तो मैं पहला तरीका अपना रहा हूं, सीधा फाइल अमेंडमेंट करता हूं। पेज सेम खुलता है डैशबोर्ड में, रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट ऑफ नॉन कोर फील्ड्स। अब जैसे मेरे को भाई ऊपर इतनी सारी डिटेल आ रही है, बट मेरे को ओपन करना है बैंक अकाउंट, क्योंकि मुझे अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। अब मैं यह देख रहा हूं यहां ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट एडिड है, मेरे को ये चेंज करना है या मुझे न्यू डालना है। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब मेरे को फ्रेश बैंक अकाउंट ऐड करना है। जैसे मेरे को एक बैंक अकाउंट ऐड करना है, मैं ऐड न्यू करता हूँ। जैसे मैं ऐड न्यू करता हूँ तो मेरे लिए एक विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं बैंक अकाउंट नंबर। अब जैसे मैं एक बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, कोड डालते हो तो यहाँ गेट एड्रेस करना है, उसका एड्रेस आपके पास आ जाएगा। अब हमने बैंक अकाउंट तो ऐड करनी है, बट इसके साथ हमें एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जिससे डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर है वो वेरीफाई कर सके हमारे बैंक अकाउंट को। तो तीन ऑप्शन आते हैं आपके पास। या तो आप पासबुक का फर्स्ट पेज अपलोड कर दो, या आप अपनी स्टेटमेंट्स को अपलोड कर दो, या फिर आप कैंसिल चेक अपलोड कर दो विद द नेम ऑफ टैक्स पेयर, जिसमें टैक्स पेयर का नाम होना चाहिए। मैं चूज फाइल करता हूं और ये कैंसिल चेक खुल जाता है। ये मैंने पहले ही ले रखा था, आप कर सकते हो इसे। जैसे मैं कैंसिल चेक करता हूं तो मेरी डिटेल अपलोड हो गई है और मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूं। अगर आपको एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ऐड करने हैं तो आप यहाँ एक की जगह दो करेंगे और ऐड न्यू कर देंगे, जितने भी आपको बैंक अकाउंट ऐड करने हैं। कंटिन्यू करता हूँ, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन। जब आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देते हो तो आपको वेरीफाई करना होता है अपनी डिटेल्स को। तो मेरा प्लेस जैसे दिल्ली है तो मैं EVC से कर देता हूँ। जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है उसके पास आपका EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोड चले जाएगा। मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड डाल देता हूं और ये वैलिडेट हो गया। जैसे ही आप अपना ईवी से वैलिडेट करोगे तो यहाँ सक्सेसफुल आ जाएगा और आपके पास एक ARN नंबर जनरेट हो जाएगा जो आपकी मेल पे आएगा। तो अगर आपको चाहते हो आप GST से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखते रहें तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय फॉर नाउ।